हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है बेटा 68। कौन सी है बेटा? 68 वर्कशीट नंबर है आपकी। ये 6th, 7th और 8th तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है, यानी कि तीनों ही क्लासेस के बच्चों को ये वर्कशीट करनी है। विद्यार्थी को अपना नाम और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा, ये है 22 सितंबर 2020, यानी कि आपकी मंगलवार की वर्कशीट। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है बेटा? लोकसभा में बहुमत दल या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, यानी कि कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, प्रधानमंत्री सदन के यानी कि लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। आगे देखिए बेटा, प्रधानमंत्री की शक्तियां, क्या क्या प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं कि प्रधानमंत्री क्या क्या कर सकता है, क्या निर्णय ले सकता है, किसको कितना दंड दे सकता है, ये सारी जो है उसके हाथ में कौन कौन सी शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं, यानी कि जो उसका निर्णय है बेटा वो सर्वोपरि है। उसके निर्णय से अलग जो है बेटा, यानी कि जो भी काम फाइनल होता है लास्ट में उसका निर्णय जरूर लिया जाता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सबसे शक्तिशाली संस्था कौन है, तो कैबिनेट है सबसे शक्तिशाली संस्था। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और भारत में सबसे जो है शक्तिशाली संस्था कौन है? कैबिनेट है। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पर भारत के कुछ प्रधानमंत्री दिए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि आजादी के बाद हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद है श्री गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक रहे 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री, 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। इसके बाद बेटा श्री गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक रहे 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, यानी कि ये तो बेटा कुछ ही दिन रहे, 11 जनवरी से 24 जनवरी तक। इसके बाद कौन आई? श्रीमती इंदिरा गांधी, और ये जो है स्वतंत्रता के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये रही 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। श्री मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। श्री चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी दोबारा फिर से आई 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। श्री राजीव गांधी आए उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। इसके बाद आए बेटा श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इसके बाद श्री चंद्रशेखर, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। इसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी ये भी कुछ ही टाइम तक रहे हमारे प्रधानमंत्री। श्री एच डी देवगौड़ा, 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, ये भी थोड़े ही दिन रहे। श्री इंद्र कुमार गुजराल, ये 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, ये भी थोड़े ही दिन रहे, एक साल तक।
इसके बाद बेटा फिर से अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक, और उसके बाद बेटा हमारे श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, यानी कि 10 साल रहे ये अपने कार्यकाल में। इसके बाद जो वर्तमान में है वो है श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से, और अब 20 लगा हुआ बेटा अभी तक कौन है श्री मनमोहन, कौन है बेटा श्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले है बेटा कि मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। यह कौन थी बेटा, जो मैंने यहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये रही श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1980 से 1984 तक, ये स्वतंत्रता के बाद पहली महिला प्रधानमंत्री रही। उसके बाद मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवार जनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए। यानी कि क्या है बेटा इसका नाम, इसका नाम है श्री मनमोहन सिंह। ये कितने कार्यकाल रहा है इनका, 2004 से 2014, यहाँ भी देख सकते हैं बेटा हम 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक ये हमारे प्रधानमंत्री रहे, यानी कि 10 साल तक। इसके आगे थर्ड क्वेश्चन है बेटा, कल्पना कीजिए कि आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। और इससे अगला बेटा कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर एक लेख लिखिए। यानी आप सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा कि अगर हम वर्तमान में प्रधानमंत्री होते तो कोरोना महामारी से बचने के लिए हम कौन से कदम उठाते। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती तो कोरोना महामारी से बचने या दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाती। सबसे पहले क्या करती बेटा, कोरोना बीमारी से बचने के नियमों को जन जन तक पहुंचाती। यानी कि बेटा आज भी बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको इस बीमारी के लिए ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मास्क लगाना चाहिए, हमें हैंड वॉश करने चाहिए, हमें अनजान व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ऐसे जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है वो उन लोगों को नहीं पता, तो ये हमें जो है जन जन तक पहुंचाने चाहिए। इसके बाद इस विपत्ति के समय में लोगों की समस्याएं जानती मैं कि लोगों की समस्याओं को जानती। क्या बेटा, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो है महामारी के कारण, लोगों का रोजगार छूट गया है, उनके पास खाने के लिए जो है अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनकी समस्याओं को सुनती। और उसके बाद बेटा कि लोगों से उनके रोजगार के विषय में पूछताछ करती, क्योंकि आज के दौर में यह सबसे बड़ी समस्या है कि लोगों के रोजगार छूट गए हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, इससे अगला था कि जो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए और उस पर लेख लिखिए। तो हमारे प्रधानमंत्री कौन है बेटा, हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो उनके विषय में जो कुछ जानकारी मैंने इकट्ठी की और वो यहाँ पर लिखी। आप भी अपने परिवारजनों से बातचीत करके जानकारी इकट्ठी कीजिए और एक छोटा सा लेख लिखिए उसके विषय में। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 7 सितंबर 1950 को भारत के गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के वडनगर शहर में हुआ। वह 2014 से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, यानी कि अब भी हैं। इनको बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था। इनके पिताजी बेटा जो है चाय की दुकान करते थे और इन्होंने भी बहुत सारी जगह जो है चाय की दुकान की है। मोदी जी को जो है पतंगबाजी के जो है शौकीन हैं। मोदी जी क्या है बेटा, पतंगबाजी के शौकीन हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो